सिंबायोटिक एसोसिएशन बिटवीन लाइकिन इज ए सिंबायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। आप जानते हैं एल्गी कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इट कैन डू फोटोसिंथेसिस बट लिव्स इन वाटर। पानी में हो लाइट मिलेगा, वहां भोजन बना लेगा, लेकिन पानी के बाहर वो ग्रो नहीं करेगा, वो सूख जाएगा। पानी रहेगा, नमी रहेगा, पानी रहेगा तब तो ग्रो करेगा, अदरवाइज सूख जाएगा। फंगस कैन ऑब्जर्व वाटर मिनरल बट कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। वाटर मिनरल तो ऑब्जर्व कर सकते, उसमें माइसीलियम है, हाइफा ब्रांड हाइफा माइसीलियम है, तो वाटर मिनरल तो ऑब्जर्व करेंगे बट दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट सो दे कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। तो एक नमी से वाटर मिनरल ले सकता है, नम भूमि से, बट भोजन नहीं बना सकता, और दूसरा नम भूमि से वाटर मिनरल नहीं ले सकता बट भोजन बना सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो दोनों के बीच टाई अप हो गया, दोनों के बीच एक समझौता हो गया, सिंबायोटिक एसोसिएशन हो रहा। क्यों? लिविंग टुगेदर बाय हेल्पिंग टू ईच अदर। दोनों साथ साथ रहेंगे लेकिन किसी को नुकसान नहीं करेंगे, बाय हेल्पिंग टू ईच अदर। सिंबायोटिक एसोसिएशन इज ए टाइप ऑफ एसोसिएशन इन विच टू ऑर्गेनिज्म लिव्स टुगेदर बाय हेल्पिंग टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे लेकिन एक दूसरे की क्या करेंगे, मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। अब यह यूनिक एग्जाम्पल है लाइक क्या एग्जाम्पल है, एक तरफ एल्गी दूसरी तरफ फंगस। तो अब इस लाइकेन, लाइकेन में एल्गल पार्ट है, इन लाइकेन, अच्छा ये लिख लीजिए, लाइकेन ग्रोज ऑन मॉइस्ट ह्यूमिड सरफेस, मॉइस्ट ह्यूमिड सरफेस, जहां भी मॉइस्ट ह्यूमिड सरफेस है, जैसे हम लोग ने अरुणाचल में देखा ईटानगर रीजन में, वहां असम में भी वहां बरसात बहुत ज्यादा होती, तो पेड़ों की छालों पे, दीवारों पे ये लाइकेन ग्रो कर जाते थे, क्योंकि वहां नमी आती थी और वहां ग्रो कर गए। तो ह्यूमिड सरफेस इन ह्यूमिड एरिया, कहां ड्राई एरिया में तो मिलेंगे नहीं, कहां मिलेंगे, ह्यूमिड एरिया में मिलेंगे। और यहां पर इनमें दो चीजें हैं, एल्गल पार्टनर ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड एज एल्गल पार्टनर। दो पार्टनर हो गए ना लाइकेन में कौन कौन दो पार्टनर हो गए, एल्गी एंड फंगस। तो एल्गल पार्टनर ऑफ लाइकेन, एल्गल पार्टनर ऑफ लाइकेन इस कार्डेस, क्या कहेंगे उसको, एल्गल पार्टनर ऑफ लाइकेन इस कार्डेस फाइकोबियम। एल्गल पार्टनर ऑफ लाइकेन इस कार्डेस फाइकोबियम फाइकोलॉजी माने स्टडी अबाउट एल्गी। तो एल्गल पार्टनर इस कार्डेस फाइकोबियम एंड फंगल पार्टनर, यस फंगल माइकोलॉजी स्टडी अबाउट फंगस। अब नीट में पूछ सकता है एल्गल पार्टनर ऑफ लाइकेन इस कार्डेस व्हाट, फाइकोबियम माइकोबियम बोथ नन ऑफ अबव। तो एल्गल पार्टनर ऑफ लाइकेन इस कार्डेस फाइकोबियम एंड फंगल पार्टनर ऑफ लाइकेन, यस इस कार्डेस माइकोबियम, यस माइकोबियम। अब फ्रॉम द मॉइस्ट सरफेस फंगल पार्टनर क्या करेगा मॉइस्ट सरफेस से, यस फ्रॉम द मॉइस्ट सरफेस माइकोबियम एब्जॉर्ब वाटर मिनरल एंड प्रोवाइड टू एल्गल पार्टनर। ये एल्गल पार्टनर बिल्कुल ग्रीन कलर, इसकी वजह से थोड़ा ग्रीन ही दिखाई देते हैं, कुछ कुछ लाइकेन में तो पूरा वो और सारे कलर डेवलप हो जाते हैं, जैसे ही बर्निया है, पार्मिलिया है, पार्मिलिया को रॉक फ्लावर कहते हैं,
वो बर्फ की चट्टानों पे रॉक फ्लावर वैसे ही उगा रहता है, जिसे लगता है कि फ्लावर है। वहां पर रेंडियर वगैरह उसको भोजन के रूप में खाते हैं, पार्मेलिया इवर्निया, ये रॉक फ्लावर पार्मेलिया कहते हैं। और वहां पर कुछ लोग उसको मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, डाइस के रूप में भी इस्तेमाल, कलर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो एल्गल पार्टनर है, एल्गल पार्टनर क्या किया बच्चों, एल्गल पार्टनर हाँ इसमें तो क्लोरोप्लास्ट है, और फंगल पार्टनर क्या दिया, फंगल पार्टनर ये जो है वाटर मिनरल दिया, फंगल पार्टनर वाटर मिनरल दिया और एल्गल पार्टनर भोजन बना के दिया, तो दोनों उस न्यूट्रिएंट्स को दोनों यूज करते हैं। तो एल्गल पार्टनर एब्जॉर्ब वाटर मिनरल एंड प्रोवाइड टू फंगल पार्टनर, फंगल पार्टनर एब्जॉर्ब वाटर मिनरल एंड प्रोवाइड टू एल्गल पार्टनर, एंड एल्गल पार्टनर सिंथेसाइज फूड मटेरियल व्हिच इज यूज्ड बाय बोथ एल्गी एंड फंगस इन लाइकेन, इन सच ए वे लाइकेन ग्रोज। अब लाइकेन कहां ग्रो करता है, मॉइस्ट ह्यूमिड प्लेसेस में। लाइकेन का एक बायोलॉजिकल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, यस इट इज।